वार्ड नंबर 22 येथील नागरिकांनी विरोधी पक्षनेते भाजपा श्यामजी अग्रवाल भाईजी यांच्याबरोबर फटाके वाजून पेढे वाटून कपिलजी पाटील निवडून आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. बाजू है हमारे बबलू अंकल को नहीं बुलाएंगे. आपका नहीं आ रहा है. देखिए पूरे देश की जनता व भिवंडी लोकसभा की जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं. और जो ये प्रभाग है जहां से हम लोग खड़े हैं मानसरोवर फेणा गांव फेणापाड़ा और कामतगढ़ भाग, यहाँ के जनता ने यहाँ के मतदाताओं ने भरघोस मतदान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय कपिल जी पाटिल को नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उन्होंने मतदान बड़ी मात्रा में मतदान किया है. और पूरे देश में 2014 से भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में मतदान एक बहुमत मिला है. और निश्चित रूप से जो मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पे जैसे 5 साल काम किया उसी अच्छा काम, एक मजबूत सरकार मजबूर नहीं मजबूत सरकार की स्थापना होगी. और निश्चित रूप से ये सरकार 5 साल चलेगी और देश को परम वैभवशाली बनाएगी. और वैसे ही आने वाले भी विधानसभा चुनाव भी अक्टूबर में है, वैसे ही यहाँ भी महायुति के जो घटक दल है साथ में मिलकर चुनाव लड़े. भिवंडी की जनता पूरे देश की जनता और मोदी जी को जो वापस प्रधानमंत्री बनाना है, देश को परम वैभवशाली बनाना है, इसके लिए जो मतदान किया उसके बहुत लोगों के महत्वाकांक्षा रहती है, बहुत लोगों के कुछ न कुछ अपने हित संबंध रहते हैं इसलिए बदनाम कर रहे थे. लेकिन बदनामी का कल जवाब मिल गया. 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से हमारे जो उम्मीदवार है माननीय कपिल पाटिल जी विजय होके आए हैं, इसलिए ये जो है उनको जवाब अपने आप ही जनता को. आप लोग भेज रहा हूँ थोड़ा माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. अपना ये कितना नंबर वार्ड है? 22 की 23 22 नंबर ना.